धन्यवाद मनीष भाई। मित्रों, पिछले सत्र में आपने जिस पुस्तक का लोकार्पण देखा, मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाएं, उसमें मेरी माँ शकुंत माथुर भी सम्मिलित हैं। जिस जमाने में 1939 या 40 में, जब वो 20 वर्ष की भी नहीं थी, अपनी जिद से युवा गिरजा कुमार माथुर, जो कि मध्य प्रदेश के बहुत नन्हे छोटे से गांव से आते थे, उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करी और पछार नाम के गांव की बहू बनी। मैं उनको नमन करते हुए आज अब इस विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले जो इंट्रोडक्शन मनीष भाई ने दिया, इस टॉपिक का आज इतना बड़ा फलक नहीं है। इस विषय को हम सीमित रख रहे हैं सिर्फ जैविक परिधि से, भाषा और उसकी जैविक परिधि वो क्या है, हम सिर्फ वहीं तक सीमित रख रहे हैं। और चर्चा करने से पहले मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब विज्ञान भाषा की परिधि की बात करता है, तब उसका मंतव्य किसी भी तरह से समाज या परिवेश को खारिज कर देना नहीं होता। उसकी जो की पंक्तियां, जो की लाइन है विज्ञान की समझ की, वो यह है कि भाषा जितनी समाज में है, उससे कहीं अधिक मस्तिष्क में धंसी हुई है। मैं दो वैज्ञानिकों का सबसे पहले जिक्र करूंगा। 1861 का कार्ल वर्निक और पॉल ब्रोका, ये दोनों न्यूरोसर्जन थे और कौतूहलवश वो ऐसे व्यक्तियों के, मृत व्यक्तियों के मस्तिष्क को खोल के देख रहे थे जिन्हें या तो व्याकरण संबंधित भाषा प्रयोग करने में कठिनाई होती थी, या वे व्याकरण सम्मत वाक्य तो बना लेते थे लेकिन वे लगभग अर्थहीन होते थे। तो ऐसे दो कैटेगरीज ऑफ लोग जो थे वो उस जमाने में थे और वही नहीं थे, आज तक हैं। तो जब सबसे पहले पॉल ब्रोका ने जब उस मृत व्यक्ति के मस्तिष्क को खोला जो व्याकरण सम्मत वाक्य नहीं बना पाता था, यानी कि वो समुच्चय बोधक नहीं लगाता था, वो उपसर्ग लगाना भूल जाता था, पूर्वसर्ग नहीं लगाता था, शब्द अनुक्रम भूल जाता था, उसका वाक्य होता था जाता मैं कल घर। तो जब उसके मस्तिष्क को उसने खोला तो मालूम चला कि उसके बाएं अर्ध गोलार्ध, मस्तिष्क के दो अर्ध गोलार्ध हैं, बाया और दाया, बाएं अर्ध गोलार्ध में एक ट्यूमर उग रहा है और उस स्थल को बाद में जब और ऐसे कई व्यक्तियों पर परीक्षण किए गए तो यह प्रमाणित होने लगा कि यह जो स्थल है, जो बाया जो अर्ध गोलार्ध है उसका जो अग्रभाग है, सबसे अग्रभाग है, वहां उसको उन्होंने सीट ऑफ ग्रामर कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रोका ऐसे व्यक्तियों पर परीक्षण कर रहा था जो व्याकरण की अशुद्धियां करते थे। ठीक उसी के आसपास 1867 कार्ल वर्निक जर्मन न्यूरोसर्जन था और ये ब्रोका जो था वो फ्रेंच था, दोनों में बातचीत इतनी नहीं थी, लेकिन वो उन व्यक्तियों पर परीक्षण कर रहा था जो व्याकरण सम्मत तो बना लेते थे लेकिन वो उलझुल वाक्य होते थे, उसमें अर्थ नहीं मिलता था। तो जब उसने उनके मस्तिष्क को खोला तो पाया कि वो अगले भाग में बाएं गोलार्ध के कोई ट्यूमर नहीं है लेकिन बाएं गोलार्ध के सबसे पिछले भाग में
ट्यूमर या आघात या चोट है जिसकी वजह से वो भाषा का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इन दोनों स्थलों को बाद में एक सीट ऑफ ग्रामर कहा गया पॉल ब्रोका स्थल को, और एक सीट ऑफ सिमेंटिक्स कहा गया, जहां से अर्थ आप प्राप्त करते हैं, जो कि जो भी बाएं गोलार्ध में ही था लेकिन एक अगले भाग में था और एक पिछले भाग। इसी के साथ एक और आपको तथ्य और साझा करता हूं। 1953 में एक हेनरी नाम का व्यक्ति था जिसको कि एपिलेप्टिक दौरे पड़ते थे, और एक आध नहीं पड़ते थे, दिन में 5-6 एपिलेप्टिक दौरे पड़ते थे। उतना भयानक दर्द होता था उसके मस्तिष्क में कि वो सहन नहीं कर पाता था, आत्महत्या करने को तैयार था। ऐसे व्यक्ति को जब उसने न्यूरोसर्जन ने को दिखाया तो उसने कहा, तुम्हारी अनुमति से मैं तुम्हारे मस्तिष्क में जो एक दो स्थल हैं उनको मैं ध्वस्त कर दूंगा, तुम अगर राजी हो तो ठीक है। उसने कहा ठीक। उसने मस्तिष्क में एक अश्वमीन, जिसको कि अंग्रेजी में हिप्पोकैम्पस कहते हैं, उसको खोला और उसके दोनों छोरों को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करते ही जब वो वापस आया नर्सिंग के अंदर, तो मालूम चला कि दर्द तो उसका दूर हो गया लेकिन काल लुप्त हो गया, उसके जीवन से ही काल लुप्त हो गया। हर क्षण उसके लिए प्रेजेंट मोमेंट होता था, मेमोरी नहीं थी, रेज हो गई पूरी की पूरी। तो आप ये देखिए कि मस्तिष्क से जब काल ही चला जाएगा तो भाषा कैसे इस्तेमाल करेंगे आप। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये दो तीन तथ्य मैं इसलिए मैंने आपके सामने रखे कि मस्तिष्क का भाषा से लेना देना बड़े गहरी संपृक्ति रखता है और रखता रहेगा भी। लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास 150 वर्षों से थी, लेकिन आज हम जब नई मेडिकल टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है तो उसकी वजह से ये और भी ज्यादा पुष्ट होता है, ये धारणाएं बहुत पुष्ट होती चली जा रही है। एक बार मैं कुछ और नए तथ्य, नए साक्ष्य भी आपसे साझा करना चाहता हूं। जो बच्चे या शिशु ऐसे होते हैं जो जन्म से ही मूक और बधिर होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, वो पैदा ही गूंगे बहरे होते हैं, ऐसे शिशुओं को तो समाज या माँ बाप स्वर या भाषा का कोई निवेश दे ही नहीं सकते। कैसे देंगे, न वो सुन सकते न वो बोल सकते। तो ऐसे शिशुओं पर जब परीक्षण हुए नए साक्ष्यों में तो पता ये चला कि ये भी शिशु ठीक 6 और 8 माह के बीच सामान्य शिशुओं की तरह हाथ पांव पटक कर मुंह से अधकचरे स्वर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या तात्पर्य हुआ इसका? इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे पास आनुवंशिकी से, डीएनए कोड से ही एक पूर्व तंत्रिका प्रणाली स्वर की हमें देन मिलती है नेचर से, जो कि हमारे मस्तिष्क में मौजूद रहती है। और इसीलिए जो बच्चे समाज से कोई योगदान प्राप्त भी नहीं करते, वे बच्चे भी उसी प्रकार से हाथ हाव भाव करते हैं, उसी तरह से संकेत करते हैं, उसी तरह से स्वर निकालने की कोशिश करते हैं जैसे कि सामान्य शिशु। हालांकि बाद में जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर वह जो स्वर तंत्रिका प्रणाली जो आपको दी गई है नेचर ने, वो सुप्त होने लगती है और उसके बाद फिर आपको उन्हें संकेत भाषा ही, साइन लैंग्वेज सिखानी पड़ जाती है। दूसरा साक्ष्य, जापानी भाषा के अंदर आर और एल की ध्वनि ही नहीं होती। जो अंग्रेजी की आर और एल ध्वनियां हैं वो जापानी भाषा में आपको नहीं मिलेंगी। जापानी भाषा में हैं लेकिन वो इतने भ्रष्ट रूप में हैं आर और एल कि आप ये उनकी साम्यता अंग्रेजी के आर और एल से कर ही नहीं सकते।
अब जब ऐसे जापानी शिशु को परखा गया, उन पर परीक्षण किए गए, तो मालूम चला कि एक वर्ष तक वे जापानी शिशु जिनकी जापानी जो जापानी भाषा जो जो कि उनके माँ बाप की है, वो भी आर और एल ध्वनियों के प्रति रिएक्ट करते हैं एक वर्ष तक। फिर वही बात एक तरह से दोबारा पुष्ट होती है कि आपके पास एक पूर्व नियोजित स्वर तंत्रिका प्रणाली अवेलेबल है जन्मजात से, आपको सिखाने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन अगर आपकी भाषा जो सिखाई जा रही है परिवेश से, समाज से, अगर उसमें वो ध्वनियाँ ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे फिर उन ध्वनियों को विस्मृत कर देते हैं। तीसरा और एक और इम्पोर्टेंट साक्ष्य है, और वो यह है कि अगर आप किसी बच्चे को 10 वर्ष की आयु तक बिल्कुल आइसोलेटेड कर दें, समाज से उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं रहे और उसको किसी भी तरह का स्वर का या भाषा का ज्ञान नहीं दिया जाए, तो ऐसे बच्चे 10 वर्ष के बाद भाषा सीखने की अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है वो खो देते हैं। वो आप कितना भी सिखाइए उनको, वो सीख ही नहीं पाएंगे। सीखते हैं लेकिन वो प्रॉपर भाषा नहीं होती, वो भाषा जो है वो टूटी फूटी भाषा रहती है 10 वर्ष तक। इसका फिर क्या मतलब हुआ, इसका तात्पर्य साफ फिर यही हुआ कि हमारे मस्तिष्क में एक पूर्व नियोजित तंत्रिका प्रणाली जो कि भाषा या स्वर को सीखने के लिए मदद करती है वो मौजूद होती है, हेरिडिटिकली मौजूद होती है, और समाज से पहले, पूर्व समाज तो आया नहीं है जब वो शिशु हैं, उससे पहले ही वो आपके मस्तिष्क में दी गई होती है, और आप उसको जैव भाषा का ढांचा भी कह सकते हैं। मित्रों, एक और रोचक एक स्टडी हुई जिसको कि मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। इस स्टडी में उन्होंने क्या किया कि कुछ प्रतिभागियों को, वॉलंटियर्स को एक वाक्य दिया जिसमें कि एक जो शब्द था वो शब्दांश था, शब्द पूरा नहीं था। जैसे कि ये कहा गया, यह पूरा विभाग है, यह पूरा विभाग है। अब उनसे कहा गया कि इस शब्द जो पूरा है उसको आप पूरा कीजिए। अब आप देखेंगे कि पूरा से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, पुराना है, पुराकाल है, पुरातन है, पुरातत्व है, पुराण है, पुरालिपि इत्यादि। यानी कि इस जो ये जो शब्दांश है पूरा, इसमें शब्द संभाव्य बहुत अधिक है। और इसके विपरीत उन्होंने क्या किया कि उन्हें प्रतिभागियों को एक ऐसा शब्दांश दिया जो पूरा नहीं था बल्कि था पुली। जैसे यह पुली विभाग है। अब पुली से अगर आप शब्द बनाने की कोशिश करेंगे और डिक्शनरी में भी जाएंगे तो पुलिस, पुलिया, पुलिन, इसके आगे आप मुश्किल होने लगेगी आप। ऐसे ऐसे जब उन्होंने एक ऐसे जब उन्होंने काम प्रतिभागियों को दिए, तो उसके साथ साथ अब जो नई मेडिकल टेक्नोलॉजी है जिससे कि नॉन इन्वेजिवली आपको मस्तिष्क खोलना नहीं पड़ता, FMRI, फूरियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो MRI इमेजिंग उसका एक और परिष्कृत रूप, उसे आप पूरे स्कैन कर सकते हैं मस्तिष्क को, और स्कैन ही नहीं कर सकते, आप यह भी मालूम कर सकते हैं कि किस स्थल पर एक्टिविटी सक्रियता है या किस स्थल पर सक्रियता नहीं। एक वाक तंत्र पथ होता है जो कि ध्वनि को आपके ओठों तक लाता है।
या जीभ तक लाते हैं। जो जब आपकी वाक पढ़ते जो है संकुचित होती हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलती हैं, तो आप जो है श्वास नलिका से आप सांस बाहर नहीं फेंक पाते, तो परतों पर दबाव पड़ता है और वो कांपती हैं। जब वो कंपन होता है तो वो जो कंपन है वो ध्वनि आपको देता है, और ध्वनि जो है उसकी उसको आप कैसे मापते हैं, एक एक लाइन में बता देता हूँ। ध्वनि जो है वो जैसे कि आप एक साइकिल चलाते हैं तो आधा पैडल मारते हैं तो आधा पहिया घूमेगा, पूरा पैडल मारेंगे तो पूरा पहिया घूमेगा। आप एक सेकंड में 5 बार पूरा पहिया घुमा लेंगे तो 5 साइकिल पर सेकंड हो जाएगा। तो साइकिल पर सेकंड में मापी जाती है ध्वनि। अब इसका जो एक जब वो कंपित होती हैं वाक पढ़ते हैं तो उसमें से एक बहुत ही बड़ा जटिल पैटर्न आपको जो है मिलता है। लेकिन जटिल पैटर्न जो है वह भी पूरा का पूरा जो है वो आपके जीभ या होठों तक नहीं जा पाता। उसमें से भी बहुत सारी ध्वनियां जो हार्मोनिक्स नहीं है उनको वाक तंत्र पद जो है सोख लेता है। नतीजा क्या है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो आपके पास ध्वनियां हैं वो ही आप तक पहुंचती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जिस पर परीक्षण हुए और कार्य हुए हैं वो ये है कि जो अंग्रेजी के जो स्वनिम है AEIOU, ये 500 से 900 साइकिल पर सेकंड तक ही सिर्फ मिलते हैं। अगर आप स्पेनिश के यही वॉवल्स को देखें तो वो 900 से 2100 साइकिल पर सेकंड पर मिलते हैं। अगर आप हिंदी के देवनागरी स्वरों को देखें तो वो 1000 से 2500 साइकिल पर सेकंड तक मिलते हैं। जो दुनिया भर की हमारे पास 7 से 7500 भाषाएं हैं उनकी जो स्वर या उनकी भाषा की जो ध्वनियां हैं वो 500 से 4000 साइकिल पर सेकंड में ही सीमित हैं। तो एक जैविक परिधि तो यहीं बन जाती है। आप जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में फ्रेंच भाषाविद मिस्सो रोना ने एक लंबी बातचीत में नोम चोम्सी से ये कमेंट किया कि एक हमारे पास अपरिमित ध्वनि भंडार है लेकिन मनुष्य उसमें से एक बड़े ही सीमित उप समुच्चय का इस्तेमाल करता है, बाकी सब छोड़ देता है। तो वो क्यों? क्योंकि ये जैविक जो हमारा वाक तंत्र पथ है वो सारी ध्वनियों को अलाउ ही नहीं करता जाने के लिए। तो वो जैविक ही है, मनुष्य होने की जैविक ही है कि आप ध्वनियों का एक बहुत सीमित संसार इस्तेमाल कर पाते हैं। अब मैं कुछ और तथ्यों पर जाऊंगा। मेरे पास कितना वक्त है? तो ये तथ्य कुछ इस प्रकार हैं कि जो आपका मस्तिष्क है उसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ बताना चाहता हूं। 100 करोड़ कोशिकाएं हैं इस 1300 cc के मस्तिष्क में, 100 करोड़। और इन कोशिकाओं को जोड़ने वाली जो महीन तंत्रिकाएं हैं वो 10,000 करोड़ है। अगर उनको आप खोल दें तो वो कम से कम नहीं तो 30-35,000 मील दूर तक पहुंच जाएंगे। तो इतना कॉम्प्लेक्स हमारा मस्तिष्क का एक वो है। इसकी जो भाषा है, जो भाषा मस्तिष्क इस्तेमाल करता है वो एक क्षणिक विद्युत तरंग का विस्फोट है। उसको कोई और भाषा समझ में नहीं आती मनुष्य को। आप जो दृश्य जगत को जो आप देखते हैं वो ज्यों का त्यों आपका मस्तिष्क में नहीं पहुंच जाता। वो ऐसा नहीं है कि जैसे कि किसी एल्बम में रखी हुई तस्वीरें हैं वो मस्तिष्क की किसी दराजों में पड़ी हुई हैं और आप खोल के उनके पन्ने जो है पुरानी एल्बम को उठा के देखें। जो दृश्य जगत है या इंद्रिय जगत है वह कई तरह के नक्शों में परिवर्तित हो जाता है। पहली तो बात यह कि दृश्य जगत वैसे जाता ही नहीं, वो उसको पहले एक केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करना पड़ता है और फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन से एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है और जब वो एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है तब वो विद्युत
तरंग जो है मस्तिष्क की भाषा बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो मस्तिष्क है उसमें वो दृश्य जगत को कई तरह के नक्शों में, एक नक्शा खुशबुओं का है, एक अलग नक्शा रंगों का है, एक अलग नक्शा दीप्ति का है, एक अलग नक्शा अंधकार का है, एक अलग नक्शा गति का है। तो ये जो तमाम तरह के जो दृश्य जगत है वो इतने सारे नक्शों में तब्दील हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि किन्हीं जैविक प्रणालियों के कारण मस्तिष्क जो है इस दृश्य जगत को या इंद्रिय जगत को पुनर्सृजित भी करता है, तब वो आपके सामने फिर से आता है। तो ये जो पुनर्सृजन की जो बायोकेमिस्ट्री है या बायोलॉजी है उसकी सीमाएं क्या हैं, वो सीमाएं अभी तक विज्ञान के पास कोई बहुत तर्कसम्मत उत्तर नहीं है, लेकिन वे सीमाएं हैं ये जरूर विज्ञान ने ढूंढ निकाला है। और ये जो सीमाएं हैं इन्हीं सीमाओं में या इसी जैविक परिधि के अंदर ही हम भाषा का उपयोग करते हैं, हमारे विचार और कल्पनाएं इसी में उड़ान भरती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पवन माथुर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी और लगभग साहित्य के आसपास की जानकारियां दी जिससे हम लोगों को आगे रचने में और आगे लिखने में और आगे और भी काम करने में सहूलियत होगी। हमारे पास मित्रों 5 मिनट का समय है और 5 मिनट में हम ये चाहते हैं कि एक या दो प्रश्न हम आपसे लें, और प्रश्न के लिए मैं चाहूँगा कार्डलेस माइक आप दे दें। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये एक नया विषय है हमारे लिए और फिलहाल इसकी इतनी विषय की जानकारियाँ नहीं है, इसलिए ज़रूर इस पर बात होनी चाहिए। 5 मिनट का लेके समय है, बहुत जल्दी में अपने प्रश्न करें, सिर्फ प्रश्न करें और उत्तर शुरू हो जाएगा। आपने वक्तव्य में जो बताया लेफ्ट हेमिस्फीयर के अगले और पिछले हिस्से के बाबत जिससे भाषा संस्कृति प्रभावित होती है, तो राइट हेमिस्फीयर का भाषा में क्या भूमिका है? और हम समाज में दो तरह के लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत धर्मनिष्ठ बोलता है, एक व्यक्ति काव्यात्मक बोलता है, हम भाषा को मानवीकरण कर देते हैं, एक व्यक्ति नहीं करता है क्योंकि जिसकी भाषा बोलता है, इसके पीछे कौन सा कारण है? राइट हेमिस्फीयर का भाषा मेन प्रश्न ये है कि राइट हेमिस्फीयर जो है, मेन प्रश्न यह है कि राइट हेमिस्फीयर का क्या रोल है? राइट हेमिस्फीयर का रोल है, क्योंकि पहले ये माना गया कि दोनों हेमिस्फीयर जो है वो आपस में संवाद नहीं करते, लेकिन अब जो रीसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि वो आपस में संवाद भी करते हैं, बल्कि यहाँ तक कहती हैं कि अगर कुछ बाएं में एक तरह से आपके जो घाव और चोट लगता है वो इतना बड़ा नहीं है, तो वो कई बार उसकी एबिलिटीज को राइट हेमिस्फीयर भी टेक ओवर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करता है। भाषा का सारा उपयोग जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से ही होता है। राइट हेमिस्फीयर आपको इमोशंस, आपको महीन जो आपके जो संवेग होते हैं उनसे ज़रूर जोड़ता है। मैं ये कहना इसलिए भी और आपको पुश करना चाहूँगा, मेरे एक मित्र बेचारे वो अब नहीं रहे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे डॉक्टर गुरचरण सिंह, उनके पिछले 5 वर्ष पहले बाएं में नहीं हुआ ट्यूमर, राइट में हुआ, और राइट में ट्यूमर हुआ, उसकी सर्जरी हुई, वो नहीं बच पाए वो अलग बात है, लेकिन उनकी भाषा बिल्कुल ठीक थी। तो राइट हेमिस्फीयर में ट्यूमर हुआ भी लेकिन भाषा पे कोई असर नहीं हुआ। हाँ, उनका जो लेफ्ट साइड था वो जरूर थोड़ा सा पैरालाइज हुआ, लेकिन वो भी ठीक था। फिर भी एक सवाल और ये कहा जाता है कि जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनका राइट हैंड स्पीयर काम करता है, तो ऐसे वक्त पर मेरी भाषा, मैं कभी कभी नहीं महसूस करता, बल्कि
क्योंकि मैं कहानीकार हूँ तो मेरी भाषा के ऊपर ज्यादा लोग बात करते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? एक तो ये, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि शब्द साहित्य का बहुत बड़ा प्रभाव है। शब्द साहित्य जो शब्द आप कह रहे हैं उससे मैं किसी और चीज से भी जोड़ ले सोचता हूँ, जो कि मेरे सारे करेक्ट को होकर। तो क्या आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट हैंडर और राइट हैंड की भाषा संपदा से उपयोग नहीं कर पा रहे तो उनकी क्या कमियाँ आती है? नहीं, कोई कमियाँ नहीं आती उनको, कोई कमी, उनका जो राइट हेमिस्फीयर है वो वही रोल अपनाने लगता है जो कि राइट हैंडर्स में लेफ्ट हेमिस्फीयर अपनाता है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जैसे हमने कहा कि जो राइट हेमिस्फीयर है वो सेंसिटिविटी, इमोशंस, उनसे बहुत ज़्यादा उसका जो भाव है, एमिग्डाला जो है जो इमोशंस की सीट है वो राइट हेमिस्फीयर से और लेफ्ट के बीच में जुड़ती है। तो मैं इसके ऊपर विज्ञान अभी भी बहुत शिशु की तरह, मस्तिष्क की जितनी क्रिया प्रणालियां मैं आज आपके सामने रख रहा हूं उससे कुछ आगे भी हम आगे आ गए हैं। मैं सारी नहीं रख सकता हूं, कितना एडवांसमेंट कितनी जल्दी होता है, लेकिन फिर भी ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि शब्द साहचर्य से मुझे जो है ज्यादा मुझे कोई दूसरी चीज याद आती है, तो वो हिप्पोकैम्पस या जो अश्वमीन है जिसको कि ध्वस्त कर दिया गया था और उससे काल मुक्त हो गया था वहां जाकर जुड़ती है। हम कोई भी जो हमारी मेमोरी का सीट है वो हिप्पोकैम्पस है, बल्कि यह भी लोगों ने परीक्षण किए कि अगर उस हिप्पोकैम्पस को अगर आप हल्की विद्युत तरंग से अगर आप धीरे धीरे उसको एक्टिव करने की कोशिश करें तो पूरे के पूरे चित्र भी आपको अपने पास के दिखाई दे सकते हैं। तो हिप्पोकैम्पस में ये स्मृतियां संजोई जाती हैं, रखी जाती हैं, लेकिन वो विलुप्त भी होती हैं, वो विस्मृत भी की जाती हैं, बहुत कुछ उसमें से विस्मृत हो जाता है। इसलिए आपको वो सारे के सारे वाक्य याद नहीं रहते, सारे के सारे शब्दों से साहचर्य नहीं बनता, कुछ ही शब्दों से ही आप और भी स्वर निकाले जा सकते हैं संभावना है। देखिए स्वर जो है वो इस पर डिपेंड है, उसमें दो वजह हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया जो कि एक जैविक प्रणाली आपको जिसकी फिजिक्स हमको पता है, जो मैंने आपको बताई छोटे में, और ये भी बताया कि आपके पास एक रेंज है। अगर हिंदी में स्वर जो है आपका आ 1000 से और 2500 साइकिल पर सेकंड तक आपको मिलता है, तो ये संभव है कि किसी हिंदी की लुप्त प्राय भाषा में या जो ऐसी भाषाएं हैं या ऐसी बोलियां हैं जहां पर कि हिंदी उस तरह से नहीं बोली जाती देवनागरी की तरह, वहां कुछ स्वर हों जो कि 2500 साइकिल से ऊपर भी जाता हो। क्योंकि मैंने बताया कि जो रेंज है आपको सारी भाषाओं की वो लगभग 500 से लेकर 4000 साइकिल पर सेकंड के बीच। हमारे पास समय की बहुत कमी है और सिर्फ दो ही थोड़ा सा जल्दी प्रश्न करें और एक ही लाइन में करें आप प्रश्न जी। सर आपने फरमाया कि बच्चा नहीं बोलता है तो ये आपने कहां से किया? तो मैं आपको स्टोरी में अकबर ने जो एक्सपेरिमेंट किया सवाल थोड़ा जल्दी कर लें, सिंगल लाइन में करें। कुदरत जो है
कृपया अपना प्रश्न स्पष्ट करें, एक ही लाइन में, थोड़ा सा जल्दी है। तो उनका आदत बनाया और वहाँ वही लोग चाहते थे जो होंगे, और तीन चार साल में जब उन बच्चों को आए तो भी नहीं सुने। तो ये एक्सपेरिमेंट था, आपका एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए, पहली तो बात ये कि मेरा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सारे जो भी जो तथ्य मैंने आपको दिए हैं ये विज्ञान सम्मत तथ्य हैं, और विज्ञान कथाओं, मिथकों, पुराकथाओं, इनके बारे में नहीं इन्वेस्टिगेशन करता। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन वो करता है जो कि उसको आपके सामने जो प्राणी हैं आज के वक्त में जो है उसके ऊपर परीक्षण। अब देखिए, नहीं, हम ये कह रहे हैं आपसे कि सर, मैं बताऊं, हमारे पास समय की कमी है। पवन माथुर जी अभी सभागार में हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन माथुर जी, आपने प्रश्नों के बहुत अच्छे जवाब दिए। और मेलन का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय को पटल पे रखने का और चर्चा करने का मौका दिया। आप देखिए।